हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, जब नौकरी लगती है तो हम कितना खुश होते हैं, अपने फैमिली, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ पार्टियां करते हैं, मिठाइयां खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम में से बहुत सारे लोग नौकरी से बोर होने लगते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हर वक्त नौकरी जाने का डर सताने लगता है। लेकिन करें तो क्या करें, नौकरी तो करनी है, क्योंकि घर का खर्च चलाना है, बच्चों की सही सही परवरिश करनी है, माता पिताजी की देखभाल करनी है, घर लेना है, रिटायरमेंट फंड बनाना है, विदेश घूमने फिरने जाना है, कार लेना है, बहुत सारे सपने, बहुत सारे खर्च। तो इन सब के लिए नौकरी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो आपको इन सारे तनावों से मुक्त होने का मौका मिल सकता है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करेंगे, हम आपको आज इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आर्थिक आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या वित्तीय आज़ादी के मायने क्या हैं। तो जब पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं हो तब वह स्थिति आर्थिक आज़ादी वाली स्थिति होती है। आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जिससे कि रोजाना के खर्च के साथ साथ भविष्य की पैसों से जुड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो स्थिति आर्थिक आज़ादी वाली होती है। अपनी शर्तों पर जीना, ये भी जब आप आर्थिक आज़ादी हासिल कर लेते हैं तो मुंह मकीन हो जाता है। आपके कमाए पैसे जब आपके लिए इतना पैसा कमाने लगे कि आपको रोजाना के खर्च के साथ साथ भविष्य की पैसों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो आर्थिक आज़ादी की स्थिति होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप नौकरी करते हुए ये स्थिति हासिल कर लेंगे, तो संभव नहीं है। हम सिर्फ महीने महीने मिलने वाली सैलरी के सहारे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आपके कमाए पैसे को उन पैसों सही समय पर, सही जगह पर, सही फाइनेंशियल प्लान के साथ निवेश करेंगे, यानी पैसे से पैसा बनाने के खेल में आप शामिल होंगे, तब ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन इसके लिए आपको जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। आपको बता दूं कि जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं उनके पास ऐसी संपत्तियां होती हैं जिससे उतनी नियमित इनकम होती है जो कम से कम उनके खर्च के बराबर होती है। तो आपको दो काम करने हैं, या तो आप खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लें और उनको ऐसी जगहों पर लगाएं जिससे कि और ज़्यादा पैसे आप कमाएँ, और दूसरी स्थिति है कि आप इतनी संपत्ति बना लें जो कि आपको नियमित खर्च के टेंशन से दूर करे, या फिर भविष्य में जो आपकी वित्तीय ज़रूरत है उसको पूरा करने में उससे आसानी हो। तो ये तो रही बात कि फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या हैं। अब हम बताते हैं कि वो कौन से 6 काम करने होंगे आपको जिससे कि नौकरी की टेंशन से आप फ्री हो सकेंगे, जिससे कि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। तो 6 काम में से पहला काम है बचत और निवेश करें, फालतू खर्च बंद कर दें, कम से कम सैलरी का 20-25% बचाएं, बचे हुए पैसों को सही जगह पर लगाएं। आप ये तय कर लें कि हम पहले बचाएंगे उसके बाद खर्च करेंगे। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे लंबे समय में उतना ही ज़्यादा पैसे आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। आपको बता दूं कि लंबी अवधि में निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज का फ़ायदा मिलता है। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि अगर आप जल्दी से निवेश करेंगे तो कितना पैसा लंबी अवधि में आपके पास जमा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये जमा किया 10% सालाना ब्याज की दर पर, ठीक है, तो 10 साल में आपका जो 1,000 रुपया है वो बढ़कर के 2,593 रुपया हो जाएगा। 20 साल में यही जो है बढ़कर के 6,727 रुपये, 30 साल में 17,449 रुपये, 40 साल में 45,259 रुपये, 50 साल में 1,17,390 रुपये हो जाएगा। तो सोचिए जब आपने 1,000 रुपये लगाया 10% सालाना ब्याज के हिसाब से तो कितनी बड़ी रकम इकट्ठा हो गई। अगर आप
अपनी सैलरी का 20-25% भी सही जगह पर निवेश करते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी रकम आपके पास हो जाएगी और आप बिंदास होकर के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये करना है आपको पहला काम। अब हम आपको दूसरा काम क्या करना है वो बताते हैं। तो शेयरों में पैसे लगाएं। शेयरों में पैसे लगाना जोखिमपूर्ण होता है और काफ़ी जटिल काम होता है, लेकिन अगर आप सही शेयर में पैसे लगाते हैं तो लंबी अवधि में इसमें ज़्यादा पैसे जमा होने की उम्मीद रहती है। और ये काम तो कि जटिल होता है, तो पहले शेयर बाज़ार में निवेश करने के तरीका आप सीख लें, कुछ ट्रेनिंग ले लें, या तो खुद से ट्रेनिंग ले लें या फिर कहीं प्रोफेशनल जो ट्रेनर्स होते हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के शेयर में निवेश करने की तरकीब आप जान लें, उसके बाद शेयरों में पैसे लगाना शुरू कर दें। अगर आप कम उम्र में शेयर में पैसे लगाते हैं तो लंबे समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद रहता है, लेकिन अच्छे शेयरों में पैसे लगाएं। तो ये रहा दूसरा काम। अब हम आपको तीसरा काम बताते हैं, म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शेयरों में एकमुश्त पैसे नहीं लगा सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें, यानी थोड़े थोड़े पैसे हर महीने आप लगाएं अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में। आप 500 या 1000 रुपये महीने से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि लंबी अवधि में काफ़ी बड़ी रकम बन जाएगी। जानकारों का मानना है कि लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड कम से कम 12-15% सालाना ब्याज तो देता ही है। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का भी फायदा मिलेगा। एक उदाहरण से हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने 1000 रुपये महीने से SIP की शुरुआत की और मान लिया आपने कि 12% सालाना रिटर्न मिलेगा, तो 30 साल में यही रकम जो है बढ़ करके 35,30,000 रुपये हो जाएगी। अगर और ज़्यादा पैसों का आप निवेश करेंगे हर महीने, यानी छोटी छोटी रकम, तो ज़्यादा पैसा बनेगा, जो कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। तो ये तीन काम रहे। अब चौथा काम है कि पैसों से जुड़ी भविष्य की योजना यानी फाइनेंशियल प्लान कर लें। आप जो बचत करते हैं तो उसको फाइनेंशियल प्लान करने के बाद ही उसके हिसाब से निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भविष्य में पैसों से जुड़े कई काम करने होते हैं, जैसे घर खरीदना है, कार खरीदना है, खुद की और बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परिवार की सेहत के लिए इंतजाम करना, फिर रिटायरमेंट फंड बनाना वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल प्लान बना लें, छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए और लंबी अवधि के लिए, और फिर उसके हिसाब से आप पैसे सही जगहों पर लगाएं। तो ये चौथा काम आप कर लें। अब हम पांचवा काम क्या है वो बताते हैं, इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड मतलब ये हुआ कि मान लिया कि आपको अचानक कोई काम की ज़रूरत पड़े और पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, काम पड़े और पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे आपकी अचानक नौकरी चली गई हो, अचानक गंभीर बीमारी परिवार में हो गई हो या आपको हो गई हो, या फिर घर कार दुकान जेवर वगैरह की मरम्मत करवाना हो तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप इमरजेंसी फ़ंड बना लीजिए। ये कम से कम 6-12 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। जानकार लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट को इमरजेंसी फंड के लिए बेहतर बताते हैं, लिक्विड फंड या फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश को, तो इमरजेंसी फंड भी बना लें। छठा और आखिरी काम, निवेश पर नज़र रखें और समीक्षा करें। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, निवेश पोर्टफोलियो बनाया है, उस पर नज़र रखें, समय समय पर उसकी समीक्षा करें, और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत हो, वो आपके फाइनेंशियल प्लान को पूरा नहीं कर पा रहा हो, तो उसमें बदलाव लाएं, जरूरत के हिसाब से बदलाव भी रहें। और ध्यान रखें, अति आत्मविश्वास में कभी मत रहें। कई बार अति आत्मविश्वास में मामला बिगड़ जाता है। इसका मतलब यह हो कि अगर आपको अति आत्मविश्वास है कि यार मेरा फाइनेंशियल प्लान तो एकदम बिल्कुल सटीक है, निवेश जो मैंने किया एकदम बिल्कुल सही है, तो इस गलतफहमी में मत रहें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें ज़रूर बदलाव करें। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफ़र को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। तो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।